नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित। मैं कहानियां सुनाता हूं, गीत गुनगुनाता हूं, कुछ चित्र बनाता हूं, कुछ मोटिवेशनल सुनाता हूं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको आप दबाएं, साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत विचार। अर्थात चंद्रमा अपने स्थान से दिख सकता है, हट सकता है, सूरज अपने स्थान से हट सकता है, बदल सकता है, अपना मार्ग बदल सकता है। तरह जगत व्यवहार, संसार का जो व्यवहार है, लोगों का जो व्यवहार है वो बदल सकता है। पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को तरह न सत्य विचार, लेकिन श्री राजा हरिश्चंद्र का जो सत्य का मार्ग है, सत्य का विचार है, वो कभी डर नहीं सकता। जब भी कोई बहुत सत्य बोलता तो हम उसको कहते क्या बहुत बड़े तुम हरिश्चंद्र बन रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य का दूसरा नाम राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे, और जो बात एक बार कह देते थे, वादा कर देते थे, वो कभी उस पर हटते नहीं थे, उसको पूरा ही करते थे। और दानी भी थे, सत्यवादी दानी। दान में भी देखिए, दान में जब भी नाम लिया जाता, दान भी, दान करने में सबसे आगे उनमें दो ही लोगों का नाम लिया जाता है, एक कर्ण और एक राजा हरिश्चंद्र। कर्ण भी बहुत बड़ा दानी था। जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी तो देखा कि अर्जुन कर्ण को मार नहीं सकते, तो श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदल कर कर्ण के पास गए, ब्राह्मण का भेष, और भिक्षा मांगी। और भिक्षा में क्या मांगा? कर्ण का सोने के दांत और उसका कवच, सोने का कवच मांग लिया। तभी अर्जुन ने उनका वध कर पाया, लेकिन कर्ण पीछे नहीं हटे। इसी तरह हरिश्चंद्र का भी नाम दानी लोगों में गिना जाता है। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाक वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहितास था। तारामती को कुछ लोग सैव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। और देखिए, लोग कहते हैं कि वो तो बहुत सत्य मार्ग पर चलते, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बहुत दुखी रहते हैं। तो होता क्या है कि भगवान सत्य लोगों की, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी परीक्षा भी लेता। जैसे जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं उनकी परीक्षा ली जाती। परीक्षा क्यों ली जाती? कि जो तुमने सीखा है वो तुम्हें याद है कि नहीं है। इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में भी इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। स्वप्न में ही दान दे दिया राज्य का। जागने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए, और जब महाराज जागे तो स्वप्न भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गईं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे? जब तुम पूरा राज्य ही दान में दे दिया, फिर तुम राजकोष यानी कि राज्य की कोई भी वस्तु हमको दान में नहीं दे सकते हो। क्यों? वो तो तुम पहले ही दान में दे चुके हो, ये तो हमारा हो गया, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहां रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे ये सोच रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो, यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें साफ दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, राजमहल कोष सब आपका हो गया, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। सब कुछ तो दान दे दिया, दान में देने को कुछ बचा नहीं। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक ने खरीदा।
नाटक आप देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा था, जब हरिचंद पूरे दिन खड़े रहे मार्केट में, बाजार में, कि कोई हमको खरीद ले, लेकिन कोई नहीं उनको खरीदने आया। फिर उन्हें कौन खरीद ले गया? एक शमशान घाट का मालिक। हरिश्चंद अपनी पत्नी तथा पुत्र से अलग हो गए। अब हरिश्चंद की पत्नी और पुत्र से क्या हो गए? अलग, क्योंकि उनके मालिक ने उनको खरीद लिया। तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम काज करने को मिला, जो उनकी पत्नी थी उनको एक नौकरानी का काम मिल गया, और हरिश्चंद को मरगट की रखवाली का काम, और हरिश्चंद जो है मरगट पे रखवाली का काम करने लगे। देखिए, एक राजा थे और कहां पहुंच गए? मरगट पर नौकरी करने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन के पक्के थे। और कोई होता वो कहता कौन से सपने की बात, अरे रात गई बात गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो वादा किया प्रण किया मैं उसको पूरा करूंगा। तारामती जो पहले महारानी थी अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देखने लगे। जो लोग शव जलाने मरगट पर आते थे उनमें से कर वसूलने का कार्य हरिश्चंद्र को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर तारामती के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। क्या हुआ कि उनका पुत्र था रोहितास, एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। फिल्म में यह दिखाया जाता है कि वो जंगल में फूल चुनने जाता है अपनी मालकिन की पूजा के लिए, वहीं पर एक सांप उसको डस लेता है, उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गया। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान गई। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था, एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए तारामती शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से क्या शमशान का कर मांगा, और उनका ऐसे नहीं हम मिट्टी जलाने देंगे, पहले हमको शमशान का कर दीजिए, पैसा दीजिए, क्योंकि लोग जो वहां मिट्टी जलाने जाते हैं वहां तो उनसे पैसा लिया जाता है, तो उनसे कहा गया मुझे पहले उसका टैक्स तो कर दो। उनके अन्वय विनय करने पर तथा उनकी बातों से भी पत्नी तथा अपने पुत्र को पहचान गई। लेकिन हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी को, जब उन्होंने रात का समय था, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा प्रार्थना की, पहली बात तो इन्होंने भी उनको नहीं पहचान पाया, उन्होंने इनको नहीं, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा कही कि भाई मुझे मेरे पास पैसे नहीं, ये है वो है, तो हरिश्चंद्र उनको पहचान गए। किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी, उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। आजकल क्या होता, कोई होता है तो अपने घर का कोई सदस्य मिल जाता उसकी तुरंत सिफारिश कर देता, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है उनके घर का कोई पैसे निकालने आया तो पीछे से उसको पैसे निकाल के देते, कोटेदार अपने परिवार का कोई आया तो उसको पहले राशन दे देते, ऐसा करते। लेकिन हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र के लिए भी उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो ये अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। देखिए, मैं नौकरी किसकी कर रहा हूं? अपने मालिक की। अगर मैं तुमसे कर नहीं लूंगा तो ये हमारा मालिक के प्रति क्या होगा? विश्वासघात। कि देखिए, अपना कोई आ गया तो उसको टैक्स माफ कर दिया, ये तो कर की चोरी हुई एक प्रकार, क्या हुआ चोरी। हरिश्चंद्र ने तारावती से कहा यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं ऐसे ही करके रूम में ले लूंगा। तो क्या कहा कि भाई टैक्स तो तुमको देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है तो अपनी आधी साड़ी ही फाड़ कर दे दो, कम से कम मालिक से हम ये तो कहेंगे कि हमने टैक्स के रूम में ये लिया। तारामती विवश थी, उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया आकाश में गंभीर गर्जना हुई, विश्वामित्र प्रकट हो गए, यानी भगवान उस समय प्रकट हो गए विश्वामित्र। उन्होंने रोहितास को भी जीवित कर दिया। क्या दिखाया जाता है कि ऊपर से आसमान से देवता लोग बरसात फूलों की बरसात करने लगते हैं। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। ये कहते हुए विश्वामित्र ने उनका पूरा राज्य वापस लौटा दिया। उनकी क्या ली जा रही थी? परीक्षा। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षा आए तो इधर से नकल कर लो उधर से नकल करो मेरे नंबर ज्यादा आ जाए। एक बार गांधी जी परीक्षा दे रहे थे तो बाहर से डिप्टी साहब आए, उन्होंने कहा गांधी जी कुछ लिख नहीं पा रहे थे, तो उनके जो सर थे टीचर थे उन्होंने कहा गांधी जी से कि बगल में जो बच्चा बैठा उसकी थोड़ी नकल कर लो, लेकिन गांधी जी ने नकल नहीं की और गांधी जी के बहुत कम नंबर आए। बाद में उनकी डांट भी पड़ी, लेकिन जब उनके टीचर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि नकल कर लो
तो गांधी जी ने कहा कि मैं अगर एक बार नकल करता तो यो नंबर हमारे मेहनत के नहीं होते, अब मैं आगे मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत से मार्क्स नंबर लाऊंगा। तो अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चाहते तो उनको छोड़ सकते थे, लेकिन वो परीक्षा में असफल हो जाते और उन्होंने जब देखा कि कितनी भी कष्ट आए, कितने भी विपत्ति आए, लेकिन हमें अपने सत्य के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। ये सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता। उन्होंने ऐसा किया, ऐसा त्याग किया, तभी आज हम उनको पुस्तकों में पढ़ रहे। अगर वो समय छोड़ देते अपनी पत्नी को, ठीक है तुम हमारी पत्नी, तुमसे हम कुछ नहीं लेंगे, तो क्या आज हम उनको पुस्तकों में पढ़ रहे होते? तो परीक्षा में भी असफल हो जाते और ना जाने कितने राजा पृथ्वी पर हुए, लेकिन उनको कोई जानता? हम उन्हीं लोगों को जानते हैं जिन्होंने त्याग किया। जैसे भगवान राम को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास चले गए। अगर वो कहते नहीं मैं तो भैया अपना राज्य लूंगा, भारत हो चाहे कोई हो, मैं तो राजा बनूंगा, तो आज कोई राम को पढ़ रहे होते? राम के बारे में कोई जानता? नहीं जानता।